लोगों का फेवरेट शो द कपिल शर्मा शो बंद हो चुका है। शो के अचानक ऑफ एयर हो जाने से फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहले कहा जा रहा था कि ये शो फरवरी के लास्ट वीक में ऑफ एयर होगा, लेकिन अचानक से 31 जनवरी को शो का बंद हो जाना फैंस को निराश कर चुका है। लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो कपिल शर्मा शो का नया सीजन नए फ्लेवर और क्रिएटिविटी के साथ जुलाई में वापसी करेगा। इस वापसी में एक ऐसा सरप्राइज भी छिपा है जिसका इंतजार लोग 3 साल से कर रहे हैं। जी हाँ, कपिल शर्मा शो के तीसरे सीजन में सुनील ग्रोवर वापसी कर रहे हैं। कपिल के शो में बीते दिनों टीआरपी बहुत कम रही थी। ये बात शो के प्रोड्यूसर सलमान खान को बहुत परेशान कर रही थी। शो पर बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए सलमान ने तय किया कि इस शो पर दोबारा से काम किया जाए और नई क्रिएटिव टीम के साथ शो को फिर से रिलॉन्च किया जाए। सलमान ने इसके लिए सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के साथ मीटिंग की और ये तय हुआ कि द कपिल शर्मा शो का दूसरा सीजन ऑफ एयर किया जाएगा और इसका तीसरा सीजन लॉन्च किया जाएगा। सोर्स की माने तो तीसरे सीजन के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुनील ग्रोवर के अलावा कई और कॉमेडियंस भी शो में एंट्री लेंगे। इसमें अली असगर का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा सिद्धार्थ सागर से भी बातचीत चल रही है। इधर सलमान खान ने भी शो का बजट बढ़ा दिया है ताकि इस सीजन को हिट करवाने में कोई कसर ना छूटे। पूरी मीडिया इंडस्ट्री में इस बात को फैला दिया गया है कि कपिल और सुनील एक साथ कमबैक कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोगों में अभी से एक्साइटमेंट पैदा हो और शो आते ही हिट हो जाए। फिलहाल आप कपिल और सुनील की जोड़ी देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट में बताइए और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।